Yes. <laughs> हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लास ऑनलाइन तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में क्या हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स अब इससे पहले कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है इससे पहले हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम क्या है और क्यों इसे एनिमल किंगडम कहा जाता है नेम इट्स एनिमल किंगडम में होंगे आपके एनिमल्स एनिमल्स क्या होते हैं आपको कैसे पता चलता है कि आपके आसपास जो कोई एक वस्तु है या फिर जो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल ही है और प्लांट नहीं है या फिर वो प्लांट ही है एनिमल नहीं है क्यों क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस क्या है तो देखते हैं कि एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टर्स क्या है ओके okay. तो बेसिक कैरेक्टर्स अब देखते हैं एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टर्स तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है यहाँ वो है आपका कि आपके एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं हमें पता है कि प्लांट्स एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो बात अलग है घर में हम खाना बनाते हैं बट वो हम हमारी सुविधा के लिए करते हैं बट हम अपनी बॉडी में अपना फूड सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते तो एनिमल्स हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए सो एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉफिक यू कैरियोटिक हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल well डिफाइंड होता है एक मेम्ब्रेन इनक्लोज होता है हमारा जो सेल uh, के ऑर्गेनल्स है वो वेल well इन्क्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन में सो so, हमारे जो सेल्स हैं एनिमल्स के जो सेल है ऑब्वियसली हम भी एनिमल्स हैं तो एनिमल सेल्स जो है उनमें सेल्स जो होंगे वो यू सेल्स होंगे इसीलिए हम एनिमल्स को यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तीसरा कहा है इसने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सो यस ऑल ऑफ देम आर मल्टी जितने भी एनिमल्स आपके एनिमल किंगडम के अंडर आते हैं जितने भी जीव आपके एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं वो सभी के सभी मल्टी सेल्युलर है दूसरा उसने क्या बताया कि दे लैक सेल वॉल्स यस डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है प्लांट्स और एनिमल्स में कि प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती है फिर बोलते हैं कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन फैट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रीशन इज होलोइिंग मोड ऑफ न्यूट्रीशन देन ऑल्सो दे फॉलो अ डेफिनाइट पाथ और अट पैटर्न ऑफ ग्रोथ डेफिनाइट पैटर्न ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपके जो एनिमल्स है उनका ग्रोथ का एक प्रॉपर

पिंजरे के अंदर चलते हुए दिखाई देंगे पिंजरे चलते हुए दिखाई देंगे या आपने कभी ना कभी तो उनको देखा ही होगा बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपके स्पॉन्जेस वो चल नहीं सकते वो सेडेंट्री होते एक जगह पे होते वो तो एनिमल्स जैसे दिखाई भी नहीं देते हमको एनिमल्स कैसे लगते हैं कि जो मतलब प्रॉपर ऐसा जिसके दो पैर कुछ टेल होगा या फिर जिसके दांत होंगे हम सोचते हैं वही एनिमल्स हैं बट एनिमल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बहुत वेराइटी ऑफ एनिमल्स होते हैं और इसीलिए आपके एनिमल्स जो है उनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत थी कि बचपन में मुझे सिर्फ एक ही वर्ड पता था वो था चिड़िया अब मैं किसी भी बर्ड को देख के यही कहती थी कि ये चिड़िया है लेकिन हर एक बर्ड चिड़िया थोड़ी हो सकती है कोई कौवा होगा कोई मैना होगी कोई कबूतर होगा पर मेरे लिए वो चिड़िया थी फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ ब्लैक है तो कौवा है तो फिर ब्लैक में मैना भी होती है तो, सॉरी कोयल भी होती है आपकी तो कोयल फिर अलग होती है कैसे पता चला क्योंकि मैं उनको डिस्टिंग्विश करना सीख गई अब वैसे ही जो लोग एनिमल्स पे काम करते थे जो एनिमल्स से रिलेटेड स्टडीज़ करते थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि एनिमल्स uh, को कैसे आइडेंटिफाई करें हम कैसे एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश करें तो उन्होंने सोचा कि हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं और ये क्लासिफिकेशन अब किसी आधार पे तो होगा किसी बेसिस पे तो होगा क्लासिफिकेशन ऐसी थोड़ी हो जाएगा कि आप कॉर्डेट्स हैं आप नॉन कॉर्डेट्स हैं फिनिश ऐसा नहीं होता एक बेसिस चाहिए एक आधार चाहिए जिसके आधार पर आप एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकें अब ऐसे ही कुछ बेसिस ऐसे ही कुछ फंडामेंटल बेसिस को हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आपके एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइला क्लासेस ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिक सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे मापदंड हम उनको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला बेस है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली आपकी बॉडी बनी होती है सेल्स से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपके बॉडी में सबसे पहले सेल्स हैं सेल्स से आपके टिश्यू बनते हैं टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम सेम 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 क्राइटेरिया आपके सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे कि जिनमें सेल ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होगा सेल ही सारे के सारे फंक्शन इंडिविजुअली कैरी आउट करेगा कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिसमें एक जिसमें बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट होकर एक टिश्यू बनाएंगे और वो एक टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा सिमिलरली कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे कि जिनमें टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन मिल का फॉर्मेशन करेंगे वो ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि जिनमें ये ऑर्गन्स एग्रीगेट होके एक सिस्टम फॉर्म करके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम आपकी या उन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन को टोटली totally, परफॉर्म uh, uh, करते हैं तो आपके एनिमल्स जिन में जो बेसिक लाइफ यूनिट है सेल वही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा और वो टिश्यू में एग्रीगेटेड नहीं होगा हमने कहा है कि एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर एनिमल्स है उसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो डेफिनेटली अगर बहुत सारे सेल है तो मल्टी सेलुलर है बट बहुत सारे सेल मिलके इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे लूज एग्रीगेट रहेंगे ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एकदम क्लोजली जुड़े हुए नहीं रहेंगे हर एक फंक्शन आपका एक डेफिनेट सेल ही परफॉर्म करेगा तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के एनिमल्स जिनमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, को हम कहते हैं सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही जिन एनिमल्स में सेल्स मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे एनिमल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अगर आप देखें तो सिलेंट्रेट्स जो है दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही आपके स्पॉन्जेस जो है दे शो योर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब आगे बढ़ते हैं स्तर को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं अब आपके कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे कि जिनमें ये टिशू एक स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे और आपका ये ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो जिन एनिमल्स में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या होता है आपके प्लेटिहेल में प्लेटीहेलमेंट एंड हायर प्लेटी हेलमेंट्स एफिस इनमें आपको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है बाकी इसके आगे जैसे कि आपके एनलिट्स आर्थ्रोपोड्स मल्स एकाइनोडर्म्स एंड योर कॉर्डेट इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है अब ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा कि आपके ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे वो सिस्टम एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेगा जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं कहूँ सेल्स से आपका टिश्यू बना टिश्यू ने आपका स्टमक बनाया स्टमक लिवर इंटेस्टाइन ईसोफेग सब ने मिल एक सिस्टम फॉर्म किया और वो सिस्टम आपका क्या कर रहा है एक कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है इसमें आपका स्टमक भी काम कर रहा है आपके टिश्यूज भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं आपके सेल्स भी इन्वॉल्व हैं बट उन्होंने अपना स्तर बढ़ाया है उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ा है ऐसा होता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इस बेसिस पे भी आपके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है कि उनमें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल है ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है अब सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा ओके सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम कुछ दो बेसिक तरह के और बेसिस को देखेंगे कुछ फंडामेंटल दो बेसिस को देखेंगे जिनके बेस पर भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं तो आपका यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अब बेसिकली एनिमल्स में दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम देखे जा सकते हैं पहले है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एनिमल में माउथ और एनस दोनों ही ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी तो जिन एनिमल्स में आपका माउथ और एनस दोनों भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह के एनिमल्स में हम कहते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वही जिन एनिमल्स में सिर्फ एक ओपनिंग होती है सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है वही से इंजेक्शन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है तो इस तरह के एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हम कहते हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इस बेसिस पे भी आपके एनिमल्स क्लासिफाई हो सकते हैं कि एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देन नेक्स्ट बेसिस जो है वो है आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या है बेसिकली आपका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है एनिमल्स में एनिमल्स में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम देखे जा सकते हैं एक है आपका ओपन टाइप एक है में 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 क्या होगा और close type में क्या होगा होगा और आपकी जो capillaries है वो एक क्लोज नेटवर्क फॉर्म नहीं करते वो जाके एक पॉइंट पे ब्लड को बॉडी में डिस्पर्स कर देंगे लेकिन आपके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज का एक क्लोज्ड नेटवर्क रहता है और आपका जो ब्लड है वो बॉडी कैविटी में यू ही नहीं छोड़ा जाता आपकी कैपिलरीज ही उन्हें आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाएंगे और उस पार्ट से वापस लेके आएगी कहीं भी आपका ब्लड लीक नहीं करेगा तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम ह्यूमंस हमारे में होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो आपके हो गए दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम जाते हैं दूसरे फंडामेंटल बेसिस पे जिसके बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है तो ये है आपका सिमेट्री अब सिमेट्री बेसिकली क्या है सिमेट्री है कि कितना आइडेंटिकल दिखता है अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है अब एक तरह का ऑर्गेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पता हो वो है आपका अमीबा अमीबा कैसा होता है दिखने में इरेगुलर बिल्कुल कोई शेप नहीं होता बिल्कुल ही इरेगुलर होता है तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ऐसे तो क्या इसके दो हाफ सेम है? क्या इसमें कोई सिमेट्री है नहीं है मैं चाहे जिस भी डायरेक्शन में लाइन इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ इस प्लेन में डिवाइड करूँ मैं इसको इस प्लेन में डिवाइड करूँ इस प्लेन में डिवाइड करूँ किसी भी प्लेन में ये दो आइडेंटिकल हावस मुझे नहीं देने वाला तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम एसिमेट्रिकल सिमिट्रिकल ऑर्गेनिज्म और एसिमेट्रिकल एनिमल्स ठीक है और इस तरह के सिमेट्रिकल कहते हैं ए सिमेट्री दैट मीन उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है अब देखते हैं दूसरा तरह का दूसरे तरह का क्या है आपके पास लेट मी जस्ट इरेज दिस दूसरे तरह की सिमेट्री क्या है हमारे पास दूसरी तरह की सिमेट्री हमारी रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है अब अगर मैं कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लेती हूं ठीक है इस ऑर्गेनिज्म को ऑब्वियसली वो राउंड दिख नहीं रहा है बट हां कंसिडर इट्स राउंड तो अगर मैं इसको इस प्लेन में डिवाइड करती हूं डेफिनेटली मैंने एकदम मिडिल से ड्रॉ नहीं किया तो वो आइडेंटिकल नहीं दिखेगा लेकिन जस्ट कंसिडर इट कि अगर आपका जो ओके okay, इरेजर का ऑप्शन ओके okay, आ गया इरेजर का ऑप्शन आ गया कुछ नया फीचर आया इसमें आज नया है ठीक है कोशिश करते हैं नया कुछ सीखने की ये हो गया अगेन ठीक से नहीं बना अब बस एडजस्ट कर लो ये आप कंसिडर करो ये सर्कल है अब इस सर्कल को अगर मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ तो लोअर हाफ एंड अपर हाफ दोनों सेम दिखेंगे अब ये इसका सेंटर है सपोज अब मैं इस सेंटर से पासिंग एक दूसरी लाइन ड्रा करती हूँ तो ये हाफ़ और ये हाफ दोनों सेम है अब मैं इस एक्सेस से एक ऐसा लाइन ड्रा करती हूँ तो ये हाफ और ये हाफ दोनों सेम है तो ऐसे एनिमल्स जिनके सेंट्रल एक्सेस से अगर हम कोई भी प्लेन ड्रॉ करते हैं वो प्लेन उस एनिमल को टू आइडेंटिकल हाफ में अगर डिवाइड करता है तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो जो एनिमल्स आपको इस तरह की सिमेट्री शो करते हैं इस तरह का सिमेट्री का प्रदर्शन करते हैं उस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री और एनिमल्स को कहते हैं हम रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स जैसे कि आपके सिलेंट्रेट्स हो गए आपके टीनोफोर्स हो गए इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश इस तरह के एनिमल्स जो है वो आपकी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं अब तीसरी तरह की सिमेट्री क्या है आपकी बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल एकदम शब्द बताता है कि ये क्या है बायोलेट्रल सिमिट्री का मतलब क्या है कि अगर उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड करते हैं तो वो दो आइडेंटिकल हाफ्स आपको देगा अब जैसे हम हैं हम भी बायोलैट्रली सिमेट्रिकल हैं अब अपनी बॉडी देख लीजिए अगर आप एक प्लेन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो आपका ये हाफ और ये हाफ़ दोनों आइडेंटिकल होंगे लेकिन वही आप अगर यहाँ से आपकी बॉडी को डिवाइड करते हैं तो ये हाफ़ और ये हाफ आपका इक्वल है सेम है सिमेट्रिकल है नहीं है तो क्योंकि आप अगर अपनी बॉडी को सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड करेंगे और तभी आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वो एनिमल बायलैटरली सिमेट्रिकल है यदि किसी भी प्लेन से अगर आप उसको किसी भी सेंट्रल uh, एक्सिस के थ्रू किसी भी प्लेन में अगर आप उसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो उस सिमेट्री को तो हम क्या कहते हैं रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री अलग है आप यहाँ सिर्फ एक ही प्लेन से उस एनिमल को दो आइडेंटिकल हावस में डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो गई आपकी बायोलेट्रल सिमेट्री अब बायोलेट्रल सिमेट्री में आते हैं आपके एनिलिड्स आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके कॉर्डेट्स तो ह्यूमन्स हम भी बायोलैट्रली सिमेट्रिकल है डॉग्स कैट्स फिशेस सब बायोलेट्रली सिमेट्रिकल हैं तो ये हो गया आपका सेकेंड अब थर्ड बेसिस देखते हैं हम क्लासिफिकेशन का और थर्ड बेसिस है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन अब ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या एग्जैक्टली बेसिकली आपके बॉडी में एक एनिमल के बॉडी में कुछ एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं तो जिनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उनमें ऐसे टिश्यूज होंगे ऐसे कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होंगे जो उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे तो ऐसे एनिमल्स जिनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम है आपका एक्टोडर्म और आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यदि किसी एनिमल में केवल ये दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ठीक है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां केवल दो लेयर्स है इस वाले डायग्राम में केवल दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है एक है आपका एंडोडर्म और एक है आपका एक्टोडर्म और इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है आपका मिजोग्लिया इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन योर एंडोडर्म एंड एक्सोडर्म और योर एक्टोडर्म सो ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक जैसे कि आपके सिलेंट्रेट में होता है अब एक दूसरा तरह का भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो है आपका ट्रिपलोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन अब ट्रिपलोब्लास्टिक का मतलब है सीधा-सीधा तीन -सीधा लेयर होगी ठीक है डिप्लोब्लास्टिक में दो थी तो ट्रिपलोब्लास्टिक में तीन रहेगी दो तो हमें पता है एक रहेगा आपका एक्टोडर्म एक रहेगा आपका एंडोडर्म तीसरा रहेगा आपका मेसोडर्म और ये मेसोडर्म प्रेजेंट होगा आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तो ऐसे ऑर्गेनिजम जिनमें तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रिप्लो एनिमल्स अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं कुछ कि आप क्या करेंगे तो बेसिकली अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस तो नेक्स्ट बेसिस है आपका सीलोम अब सीलोम बेसिकली क्या है सीलोम है आपका बॉडी कैविटी तो बेसिकली बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड इज कॉल्ड एज सीलोम। तो अब बेसिकली एक चीज तो मुझे पता चल गई है यहाँ पे कि अगर किसी एनिमल को सीलोम होना है तो उसके पास तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होना जरूरी है क्योंकि इसने क्लियरली बोल दिया कि मीजोडर्म से लाइंड होगा तो हम उसको उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम तो अगर किसी एनिमल को मैं कहती हूँ कि उसमें सीलोम प्रेजेंट है एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट है दैट मीन्स उस एनिमल में होने चाहिए तीन एम्ब्रियोनिक लेयर यानी उसका ट्रिप्लो होना बहुत जरूरी है तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका जैसे अगर आप डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लासीफाई करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उन एनिमल्स में टिश्यू हो सेल्युलर लेवल में थोड़ी उनमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लो प्लास्टिक दिखा तो अगर किसी एनिमल में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगी सिमिलरली अगर मुझे सीलोम डिस्कस करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि कौन से एनिमल्स में तीन लेयर्स प्रेजेंट है तो एनी बॉडी कैविटी और द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम और जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स और सिंपली सीलोमेट्स जैसे कि है आपके एनलिट्स मोलस्क आर्थ्रोपोड्स इकाइनोडर्म्स हेमिकॉडेट्स एंड कॉडेट्स वी आर सीलोमेट्स अब नेक्स्ट है आपका सूडोसिलोमेट्स और ए सीलोमेट्स. अब ए क्या है ए नाम बताता है बिल्कुल कि इनमें सीलोम है ही नहीं तो इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा वही अगर आप देखें सूडोसिलोमिट्स तो सूडोसिलोमिट्स में बेसिकली कुछ स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं उनके बॉडी में जो कि सीलोम की तरह दिखते तो है बट वो ट्रू सीलोम नहीं होते तो वॉट आर सुडोम इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज इज नॉट नॉट बाय बाय इट हमने पढ़ा है कि सीलोम है मतलब मीजोडम से लाइन होना ही चाहिए बट यहां पे क्या लिखा है कि कुछ एनिमल्स में ऐसी बॉडी कैविटीज होती है जो मीजोडम से लाइन नहीं है मतलब डेफिनेटली वो सीलोम तो नहीं है द मीजोडम इज प्रेजेंट एज Scattered pouches in between the ectoderm इन बिटवीन endoderm. एक्टोडर्म so, एंड scattered pouch जब mesoderm में प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह की बॉडी प्लानिंग को हम कहते हैं सूडोसिलोमिट जो एनिमल्स ऐसी तरह की बॉडी प्लानिंग दिखाते हैं इस तरह का बॉडी प्लान इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं सूडोसिलोमिट्स क्योंकि ए सिलोमिट्स तो डेफिनेटली नहीं क्योंकि कुछ तो बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है और ये सीलोमेट्स भी नहीं है क्यों क्योंकि इनका जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडाम से लाइन नहीं है तो ये कुछ तो भी बीच में गड़बड़ चीज है मतलब ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है कुछ तो भी बीच में है तो हम इसे कहते हैं सूडो सिलोम अब देखते हैं आगे अब जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना जाए तो एसकेलमेंटिस आपकी सूडोसिलोमेट्स के एग्जाम्पल है फिर आपके प्लेट्स आपके ए सीलोमेट्स के एग्जाम्पल हैं डेफिनेटली So, आप देखते हैं नेक्स्ट बेसिस नेक्स्ट बेसिस क्या है नेक्स्ट बेसिस है आपका सेगमेंटेशन वेरी सिंपल अगर किसी एनिमल की बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है तो इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके हर एक सेगमेंट में कम से कम कुछ ऑर्गन्स जो है वो रिपीट होते हैं तो इस तरह की बॉडी प्लानिंग जो है उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन और इस फिनोमिना का हम कहते हैं मेटामेरिज्म तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो मेटामेरिज्म शो करेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे तो ये भी एक बेसिस है आपके एनिमल्स को क्लासिफाई करने का नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट तो है आपका नोटोकॉड वेरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है एनिमल किंगडम का वो इसी के बेसिस पे तो होता है क्या है ये नोटोकॉड नोटोकॉड इज बेसिकली अमीजोटॉर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ठीक है दिस इज वेंट्रल दिस इज डॉर्सल फॉर्म ऑन दॉरसल साइड ड्यूरिंग दिन एनिमल्स तो ऐसे एनिमल्स जिनमें स्ट्रक्चर जो है डॉर्सल साइड में वो प्रेजेंट होता है इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं कॉर्डेट्स ठीक है cordates, और जो एनिमल्स जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स बहुत सिंपल है इसका जो डिस्टिंग है बिल्कुल सिंपल है नोटो कॉर्ड मतलब आप कॉर्डेट्स है आपके पास नोटो कॉर्ड नहीं है आप नॉन कॉर्डेट्स है सिंपल ठीक है अब कुछ और भी बेसिस हैं कि कॉर्डेट्स में क्या होगा नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा तो कॉर्डेट्स में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता चुकी वो है कि आपकी नोटो कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी आपके कॉर्डेट्स में वही आपके नॉन कॉर्डेट्स में नोटो कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी सेकेंड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल डोरसल हॉलो एंड सिंगल सेकेंड इसमें क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल वेंट्रल फ्रंट वेंट्रल सॉलिड एंड डबल तीसरा क्या है कि आपके जो फैरिंग है इट इज परफोरेटेड बाई गिल्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स योर नॉन कॉर्डेट गिल्स आर एबसेंट अब कॉर्डेट में हार्ट इज वेंट्रल टूवर्ड्स द फ्रंट एंड इन नॉन कॉर्डेट्स हार्ट इज इज डॉर्सल इफ इट इज प्रेजेंट इफ इट इज प्रेजेंट इट इज डॉर्सल टूवर्ड्स द बैक वी नो हमारा हार्ट फ्रंट साइड में प्रेजेंट है बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स दार्ट इज ऑन दाइड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पोस्ट एनल टेलस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट वेराज इन नॉन कॉर्डेट्स पोस्ट एनल टेल इज एबसेंट तो ये है बेसिकली आपके क्लासीफिकेशन के बेसिस जिनके बेस पे जिनके आधार पे आप एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलाज में क्लासिफाई करते हैं तो अब हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में बेसिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स को तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से डिफरेंट फाइला प्रेजेंट है आपके नॉन कॉर्डेट्स में और उनका बेसिक क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या उनमें कॉमन हैं क्या उनमें अलग है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अभी हम तक अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स देखे हैं उन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं उन्हीं में देखते हैं कि इनमें क्या वेरिएशन है तो बेसिकली आपका जो नॉन कॉर्डेट है नॉन कॉर्डेटा जो है उसको हमने कई डिफरेंट फाइलाज में डिवाइड किया है तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बोरीफेरा निडारिया टीनोफोरा प्लेटेहेलमिन एफिस एनोलीडा आर्थ्रोपोडा मुलिस का इकाइनोडरमाटा हेमिकॉर्डेटा ये सारे हैं आपके नॉन कॉर्डेट फाइलम इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है अब हम लोगों ने सबसे पहला बेस क्या देखा था इसका कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपके डिफरेंट फाइलम में किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है तो अगर आप सबसे पहला देखें तो पहला है आपका पोरीफेरा पोरीफेरा में होता है आपका सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो एनिमल किंगडम में आपका पोरीफेरा ही एक है जो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा फिर नेक्स्ट आते हैं आपके सिलेंट्रेट्स या निडारियंस टीनोफोरा अब अगर आप देखें तो ये दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं वही आपके प्लेटी हेलमीन्स ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों शो कर सकते हैं लेकिन आपके एस्किल्स ऑर्गन सिस्टम शो करेंगे और इसके बाद सभी ठीक है इसके बाद सभी जितने भी आपके फाइला है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे यदि आप अगर इस लिस्ट को देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जाता है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा आपका पोरीफेरा में सिलेंट्रेटा में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा फिर आपके टीनोफोरा में और कॉम्प्लेक्स होगा फिर आपके आर्थ्रोपोड एनीलि एनीलिड ऑर्थ्रोपोड मलर्स की काइनोडम्स हेमिकॉडिट्स ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आपके बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएंगी तो जैसे कि यही आपको दिख गया कि पोरीफेरा में सेलूलर था देन टिश्यू देन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ठीक है अब देखते हैं सेकंड था हमारा सिमेट्री तो पोरीफेरा कैन शो वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्रीज इट कैन शो इट कैन बी एसिमेट्रिकल इट कैन बी सिमेट्रिकल एनीथिंग सो दे शो वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्रीज वही आपके सिलेंट्रेट्स और आपका टीनोफोरा ये दोनों ही तरह ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं आपके सिलेंट्रेट्स और आपके टीनोफोर्स दोनों ही रेडियल सिमेट्री शो करेंगे उसके बाद आपके सभी ऑर्गेनिजम्स बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे यानी प्लेटी हेलमेट से आगे सभी के सभी बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे एक्सेप्ट इकाइनोडर्म इनके कुछ लार्वल स्टेजेस होते हैं इनके कुछ कुछ इनके एनिमल्स है जो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा कैन शो बोथ रेडियल एज वेल एज बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्शनल केस अब देखते हैं आपका एम्ब्रियोनिक लेयर्स अब पोरीफेरा में एम्ब्रियोनिक लेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल क्योंकि टिश्यू ही नहीं है टिश्यू नहीं है तो एम्ब्रियोनिक लेवल्स कहां से आ गए एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गए टिश्यूज कहाँ से जर्म लेयर्स कहाँ से आ गए कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल है ही नहीं उसमें कुछ उसके बाद जैसे ही आपका टिश्यू लेवल शुरू होता है आपके सिलेंट्रेट्स में यहां आ गया आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन फाइन उसके बाद जैसे ही आपका ऑर्गेन सिस्टम या ऑर्गन लेवल शुरू हो गया आपके प्लेटी हेलमेंट्स में यहाँ आ गया आपके ट्रिप्लो ब्लास्टिक जर्म लेयर्स या फिर आपके जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन तीन लेयर्स में होगा एक्टोडम एंडोडम एंड निजोडम फिर आता है आपका सीलोम अब सीलोम में भी वी नो कि सीलोम के लिए क्या चाहिए टिश्यू चाहिए तो आपके पोरीफेरा में सीलोम तो है ही नहीं

उनकी बॉडी में एक फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है वो उनको छलने की कोशिश करती है कि भाई मैं सीलोम हूँ लेकिन हमें पता है वो सीलोम नहीं है क्योंकि वो मीजोडर्म से लाइन नहीं वो स्कैटर्ड पाउचेस है आपके में तो वो क्या है आपके सूडोसिलोम है तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे सूडोसिलोमिट्स तो आपके एसकिल जो है वो सूडोसिलोमिट्स है उसके आगे आपके आर्थ्रोपोड्स मोलस्क एकाइनोडर्म्स मोलोड सभी के सभी सीलोमेट्स हैं इनमें एक ट्रू बॉडी कैविटी एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है वही अगर हम सेगमेंटेशन देखें तो सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है आपकी एनिलीड से एनीलिड्स के पहले किसी भी फाइला में आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता सभी के सभी में आपके जो है सेगमेंटेशन एपसेंट है एनिलीड से आगे एनिलिड्स में जैसे कि आपके अर्थवर्म अर्थवर्म को देखते बराबर आपको पता चल जाता है कि इनके बॉडी पे कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो इस तरह का ट्रू सेगमेंटेशन जो होता है वो एनिलिड्स के आगे जितने जो एनिमल्स है कुछ उनमें देखने को मिलता है तो जैसे कि सेगमेंटेशन देखने को मिलता है आपको एनिलिड्स में और आपके ऑर्थ्रोपोड्स में अगेन उसके आगे आपके इकाइनोडर्म्स मोलिस्क हेमिकॉर्डेट्स सेगमेंटेशन शो नहीं करते तो इनमें आपका सेगमेंटेशन ऑब्सेंट है तो सेगमेंटेशन किन में प्रेजेंट है सिर्फ आपके एनिलिट्स और आपके आर्थ्रोपोड्स में तो ये हो गए आपके नॉन कॉर्डिट्स इनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होगी इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एक कॉलम नहीं रखा कि नोटोकॉड प्रेजेंट ऑप्शन डेफिनेटली इन नॉन कॉर्डेट्स के अगर मेम्बर्स है तो इनमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये है इनके बेसिक्स अब हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक फाइला में क्या उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स है क्या उनके लिए स्पेशलिटी है ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या है बेसिकली इसमें हमारे डिफरेंट फाइला तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा फाइलम था वो था हमारा फाइलम पोरीफेरा अब ये पोरीफेरा क्यों है इसका नाम पोरीफेरा इसीलिए है क्योंकि इसके बॉडी में होते हैं पोर्स इसीलिए पोरीफेरा इनको नॉर्मली हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं बेदिंग स्पॉन्ज जो होता है वो आपका स्पॉन्जेस है आपका पोरीफेरा का मेम्बर है तो आपके जो पोरीफेरा है उनको कॉमनली आप स्पॉन्जेस कहते हैं इनका जो सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टर है वो है इनका वाटर कैनाल सिस्टम अब वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है बेसिकली इनके बॉडी में होते हैं पोर्स इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया ठीक है इनकी बॉडी कैविटी में एक इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जो सी और इस बॉडी कैविटी का सिर्फ एक ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम अब अगर इसका एक ही ओपनिंग है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं आपको पूछूँ किस तरह का होगा तो आप कहेंगे क्या कहेंगे आप आप कहेंगे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लोज इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि ओपनिंग तो सिर्फ एक ही है तो ये है आपका इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम में या कैनाल सिस्टम में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता आपके ऑस्टिया के थ्रू पानी आपके स्पॉन्जोसील में आएगा और स्पॉन्जोसील में से आपके ऑसिकुलम के थ्रू बाहर जाएगा फाइन तो ये है इनका वाटर कैनाल सिस्टम ये वाटर कैनाल सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाटर कैनाल सिस्टम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्पॉन्जेस होते हैं सेडेंटरी वो मूव नहीं कर सकते वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं अब एक जगह पे फिक्स्ड है मतलब खाना कहाँ से आएगा अब ऐसा थोड़ी है हमारे जैसा कि मम्मी आज खाना नहीं खाना मेरा उठने का मन नहीं कर रहा तो मम्मी क्या करेगी थाली में बिल्कुल खाना परोस के आपके सामने ले आएंगी चलो बेटा खाना खा लो ऐसा इनके साथ नहीं होता इनको कोई खाना लेके नहीं आता तो इनको कहीं ना कहीं से अपना खाना जुगाड़ना होता है तो वो क्या करेंगे पानी में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो ये यूटिलाइज कर सकते हैं उनको ऑस्ट्रिया के थ्रू अपने स्पॉन्जो में ले आएंगे और उसके बाद जो वेस्ट वाटर उसको बाहर छोड़ देंगे तो इस कि इस तरह से ये लोग अपना फूड गैदरिंग करते हैं सो बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फूड गैदरिंग के लिए न्यूट्रिशन के लिए और क्या है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज डेफिनेटली पानी आएगा ऑक्सीजन भी लेके आएगा ऑक्सीजन तो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए तो ऑक्सीजन ले गए एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट डेफिनेटली अगर आप डाइजेशन अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप अगर अपना वेस्ट भी उसी में उसी वाटर में रिमूव करते हैं और वो वाटर स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाता है तो आपका वेस्ट भी आपकी बॉडी से बाहर चला गया मतलब स्पॉन्जेस की बॉडी से आपके नहीं स्पॉन्जेस की बॉडी से तो हो गया काम तो हो गया तो तीन काम कर रहा है ये वाटर कैनाल सिस्टम आपका फूड भी गैदर कर रहा है आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है आपका जो वेस्ट है उसको भी रिमूव कर रहा है तो बेसिकली क्या है एक सिस्टम पूरा डेवलप किया और वो सिस्टम से सारा काम करा रहे हैं तुम ये भी करोगे वो भी करोगे वो भी करोगे हमारे जैसा नहीं है हमारा हम बिल्कुल स्पेशल है हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए कि आप यही काम करेंगे आप वही काम करेंगे इनका ऐसा नहीं है तुम सारे ही तुम ही कर लो बस तुम ही हो हमारे पास और तुम ही ये सारा काम करोगे ज़्यादा मेहनत नहीं है इसी से मेहनत करवाएंगे फिर आते हैं आपके कोवेनोसाइट या कॉलर सेल। अब ये कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स क्या है ये बेसिकली आपके स्पॉन्जो सील में प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जो सील को लाइन करते हैं आपके ऑस्क्यूलम को जो लाइनिंग करते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं कोएनोसाइट्स। दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो बेसिकली ये जो पोर्स हैं ये है आपकी ऑस्टिया ये पोर्स प्रेजेंट है इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पोरी फेरा फिर है आप क्या क्या कहा था हम लोगों ने सील तो ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम कहते हैं सील उसके बाद हम डिस्कस किया था ऑसिक्योलम तो ये ऑसिक्युलम बेसिकली आपके स्पॉन्जस का ओपनिंग है उनका माउथ है जहां से वाटर जो है वो बाहर जाता है तो बेसिकली ये है आपका ऑस्क्यूलम फिर आते हैं आपके कोएनोसाइट्स तो ये जो कोएनोसाइट्स हैं, ये बेसिकली आपके स्पॉन्जो सील को अंदर से टोटली कवर करते हैं इनर साइड से कवर करते हैं इनके बारे में आगे देखते हैं डाइजेशन इज इंट्रा सेल्युलर इन साइड द तो तो बॉडी इज सपोर्टेड विथ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिल फाइबर्स ये स्पिक्यूल्स क्या होते हैं ये स्पिक्यूल्स बेसिकली स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो तरह के हो सकते हैं दो डिफरेंट टाइप से बने होते हैं एक हो सकता है आपका कैल्केरियस पिक्यूल्स एक हो सकता है आपके सिलीशियस पिक्यूल्स तो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्पॉन्जेस को भी क्लासीफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से तरह के उनके बॉडी में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जैसे एग्जैक्ट तीनी लीडा जो है तो एग्जैक्ट लीडा में जो स्पॉन्जेस आएंगे उनमें आपके सिलीशियस जो स्पिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे ठीक है कैलकेरिया में आपके कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आएंगे ठीक है और फिर डीमोस्पॉन्जिया होता है डीमोस्पॉन्जिया में आपका जो स्केलेटन है तो वो प्रेजेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है यदि है तो उसमें रहेंगे आपके सिलीशियस स्पिक्यूल्स uh, और आपके स्पॉन्जन फाइबर्स तो डिपेंडिंग अपॉन दीज स्पिक्यूल्स आपके स्पॉन्जेस को क्लासीफाई किया गया है तो आपके स्पिक्यूल्स आपके स्पॉन्जेस के स्पिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उनका एक पिक्यूलर कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स देन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे आर हर्माफ्रोडाइट जिन एनिमल्स में मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विशिंग नहीं होता है दोनों ही ऑर्गन्स एक में ही प्रेजेंट होते हैं इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं हारमाफ्रोडाइट्स और आपके स्पॉन्जेस हारमाफ्रोडाइट्स हैं दैट इज स्प एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल फिर क्या है दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाई फ्रेगमेंटेशन और सेक्शुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डेफिनेटली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो होगा ही होगा देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट में होता है कि एक एनिमल से सीधा ऑफ स्प्रिंग आ गया वो उसी तरह से दिखता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो जो एनिमल है वो पहले एक लार्वल लाइफ जिएगा एक लार्वल स्टेज वो पास करेगा उसके बाद वो एक अडल्ट एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा तो आपके जो स्पॉन्जेस है उनमें एक लार्वल स्टेज देखी जा सकती है अब बेसिक अगर एग्जाम्पल्स आप देखें तो आप उनमें देख सकते हैं साइकॉन यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला जिन्हें आप कहते हैं आपका साइफा फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्ज या विच इज योर बेदिंग स्पॉन्ज और योर बाथ स्पॉन्ज तो ये हो गया आपका पोरी अब कुछ एक्स्ट्रा जान ले चेरी ऑन द केक तो बेसिकली इसके पहले जो कुछ भी मैंने आपको बताया था वो है आपका एनसीआरटी बेस्ड लेकिन एनसीआरटी में ही सही सब कुछ आएगा जरूरी थोड़ी है कुछ ना कुछ तो बाहर से डेफिनेटली पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उतना ही ज्ञान आपके लिए का काम आए एक्स्ट्रा तो कुछ होना चाहिए तो एक्स्ट्रा में इस फाइलम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी स्पिक्यूल्स कैलकेरियस एंड सिलीशियस स्पिक्यूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पॉन्ज में स्पिक्यूल्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो उनका पूरा स्केलेटन डेवलप करते हैं उनका पूरा स्केलेटन उसी पे बेस्ड होता है तो स्पॉन्जेस में आपका क्लासिफिकेशन स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन टोटली आपके स्पिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस चीज़ से बने हैं यदि वो कैल कैल्शियम से बने हैं तो वो आपके कैलकेरियस पिक्यूल्स हो गए फिर आपके सिलिशियस पिक्यूल्स हो गए फिर आपका डीमो जो है उसमें आपके कैलकेरिया सिलिशियस पिक्यूल्स और आपके स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों आ जाते हैं तो इस तरह से पूरा का पूरा जो आपका पोरीफेरा है उसका क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके जो स्पिक्यूल्स है उस पर डिपेंडेंट हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पिक्यूलर फीचर ऑफ योर पोरीफेरा फिर आते हैं बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ पिनाकोडम कोवैनोडर्म एंड मिजिनकाइमा तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको तीन लेयर्स प्रॉमिनेंटली दिखाई दे रही है एक है आपका पिनाकोडम एक है आपका कोवेनोडम और एक है आपका मीजोफाइल या मीजोडम अब पिनाकोडम बना होता है पिनाको साइड से ठीक है यह आपके स्पॉन्जेस के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है पिनाकोडम कोएनोडम इनर मोस्ट होता है आपके स्पॉन्जो सील की तरफ फेसिंग होता है आपका कोएनोडर्म कोएनोडर्म ठीक है है ये बना होता है आपके कोएनोसाइट से वही आपका हे माफ़ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है बाय बाय चलो कंटिन्यू करते हैं पिना को डर्म बनाता है आपके पिना को साइट से फाइन फिर आपका मिसोडर्म में आते हैं स्कैटर्ड आपके स्पिक्यूल्स आपके अमीबोसाइट आपके स्क्लेरोसाइट्स आपके यू साइट ये सब आपके मीजोफाइल या मीजोडर्म में स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं बाकी ये बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्पॉन्जेस का वो है कि इनमें प्रेजेंट होते हैं तीन लेयर्स तीन लेयर्स में आते हैं आपका पिनाकोडर्म कोनोडर्म और मिजन काइम या मिजन फाइल मिजोफाइल अब पिनाकोडर्म बना होता है आपको पिनाकोसाइट से कोनोडर्म कोनोसाइट से और काइम में आपके अमीबोसाइट्स सेल्स उसमें प्रेजेंट होता है आपके स्पीक आपके मिजन काइम में होते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली कि साइकोन जो है ठीक है इसमें एक फिनोमिना देखा जाता है और उस फिनोमिना को कहा जाता है हम फाइटोगाइनस कंडीशन अब फाइटोगाइनस कंडीशन का मतलब क्या है इसमें जो फीमेल ऑर्गन होते हैं क्योंकि आपका क्या है हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हो गए तो इनमें फीमेल ऑर्गन जो होते हैं या फिर इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे मेच्योर अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन और मेल ऑर्गन इन एन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म तो इनमें एक कंडीशन देखी जाती है जिसे हम कहते हैं फाइटोगाइनस कंडीशन वेरी पिक्युलर फॉर योर साइकॉन और मैंने कहा था कि इनका जो डायरेक्ट डेवलपमेंट uh, होता है वो कैसा होता है इनडायरेक्ट होता है लार्वल स्टेज होता है तो इनमें एक लार्वल स्टेज देखे जा सकते हैं वो है पेरेंकाइम्युला लार्वा व्हिच कैन बी सीन इन ल्यूकोसोलिनिया एंड क्लैथ्रीना और एम्फी ब्लास्टूला लार्वा विच कैन बी सीन इन केस ऑफ साइकॉन सो लार्वा जो होते हैं वो दो तरह के देखे जा सकते हैं मेजरली तो एक है आपका पेरन का लार्वा और एक है आपका एम्फी ब्लास्टूला लार्वा ये हो गया आपका पोरीफेरा अब आगे बढ़ते हैं अब पोरीफेरा के बाद क्या था आपका सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा को हम निडारिया भी कहते हैं अब निडारिया क्यों कहते हैं क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट होते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स ये एक बेसिक टाइप के एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं इनमें जो कि इनको सिलेंट्रेट्स बनाते हैं इनको निडारियंस बनाते हैं ठीक है सो दीज आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन ठीक है मोस्टली मराइन सेसाइल एक जगह पे या फ्री स्विमिंग फ्री लिविंग फाइन नाउ आपके जो नीडो ब्लास्ट है इनमें एक स्पेशल स्टिंगिंग कैप्स्यूल होती है जिसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटैकल्स ऑफ द बॉडी ठीक है टेंटैकल्स बेसिकली आपका जो निडारिया होता है उनमें कुछ ऐसे टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं ये हो गए उनकी बॉडी और उनके बॉडी पे कुछ आउटग्रोथ्स होती है टेंटैकल्स होते हैं तो आपके जो नीडोब्लास्ट है या जो निमाटोसिस्ट है यह आपके टेंटैकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फाइन ये आपके नीडोब्लास्ट का एक कॉमन डायग्राम है यदि आपको किसी ने यह डायग्राम दिखा दिया आपको पूछ लिया ये किस चीज़ का डायग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम एक बेसिक नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट के डायग्राम है फाइन फिर अगेन जो इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टर वो है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम सिंगल ओपनिंग दैट मींस इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ओपनिंग को हमने क्या कहा था स्पॉन्जेस में पोरिफेरा में ऑस्क्यूलम इसमें जो ओपनिंग है उसे कहा जाता है हाइपोस्टोम गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी मीन्स it is associated with your circulation as well as your nutrition digestion food gathering may be involved hai. so that's why it's a central gastrovascular cavity digestion is extracellular and intracellular both depends fine some of the nidarians like corals have exoskeleton composed of calcium carbonate rest different types of uh, skeletons can be seen but in case of corals the skeleton is composed of calcium carbonate ab agar hum dekhte hain to nidarians mein hote hai do basic body forms very important बहुत ही uh, special uh, है आपके निडारियंस के लिए इनमें दो तरह के body forms present होते हैं एक होता है polyp, एक होता है आपका medusa. जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है एक जगह पे वो फिट फिक्स्ड रहता है वही आपका मेड्यूसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों टाइप के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं ठीक है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज़म्स में हम कहते हैं कि वो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं कभी वो पॉलिप में रहेंगे कभी मेड्यूसा में रहेंगे पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करेगा, मेड्यूसा पॉलिप फॉर्म करेगा तो इस टाइप की प्रोसेस को इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस या अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो कुछ एनिमल्स मेटाजेनेसिस भी शो करते हैं जैसे कि ओबीलिया इसमें क्या होता है कि पॉलिप्स दे प्रोड्यूस मेड्यूसा ए सेक्शुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्शुअली यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका मिड्यूसा जो है और ठीक है जेलीफिश तो ये आपका Aurelia जो है वो मेड्यूसाइड फॉर्म में है वही आपका अडम्शिया जो है वो पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है लेकिन आपका जो ओबीलिया है वो दोनों ही तरह के फॉर्म्स शो कर सकता है डैट इज इट शोज प्रेजेंस ऑफ मेटाजेनिस इट शोज इट रिप्रेजेंट मेटाजेनिस अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो ये है आपके निडारियंस के दो फॉर्म्स द पॉलिप एंड द मेड्यूसा जो पॉलिप है आपका इट इज सेलेंड्रिकल फॉर्म विच कैन बी सीन इन केस ऑफ हाइड्रा एडमशिया एंड ऑल वही आपका मेड्यूसा जो है इट इज अम्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग एंड कैन बी सीन इन केस ऑफ और जेलीफिश जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है डाइग्राम्स में और जो एनिमल्स अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं उस फिनमिना को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस उनमें आपके पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इनके तो इनमें आपके आते हैं फाइसेलिया, जिसे हम कहते हैं पॉर्चुगेज मैन ऑफ वॉर फिर आता है आपका एडमशिया जिसे हम कहते हैं सी एनिमोन फिर आता है आपका पेनाटूला जिसको कहते हैं हम सी पेन गॉर्गोनिया C-फैन एंड जो कि है आपका ब्रेन कोरल तो ये है आपके बेसिक एग्जांपल्स आपके निडारियंस के या सिलेंट्रेट के अब हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं इनके बारे में आउट ऑफ लीक कुछ कुछ एनसीआरटी से बाहर तो बेसिकली इनमें प्रिमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम देखा जा सकता है अगर हम कहें कि एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ तो हम कह सकते हैं कि निडारियंस से जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एकदम बेसिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम निडारियंस में प्रेजेंट होता है ऑल्सो जो नर्वस सिस्टम है ये साइनेप्टिक या नॉन साइनेप्टिक नर्वस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है लेकिन इनमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है नर्वस सिस्टम तो रहेगा जैसे हम में भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास ब्रेन भी है सिलेंट्रेट्स में ब्रेन नहीं होता है सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है जो उनके बॉडी के एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है वेरी प्रिमेटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम उसके बाद क्या है इनहाइड्रानिमैटो सिस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स हमने देखा कि निमाटोसिस्ट क्या होते हैं हमारे निमाटोसिस्ट प्रेजेंट होता है हमारे टेंटाकल्स में तो निमाटोसिस्ट कौन से हैं पेनिट्रेंट्स ग्लूटिनेंट्स एंड वॉलवेंट्स अब ये क्या है तो पेनिट्रेंट्स क्या है ये जो निमाटोसिस्ट है इनका जो मेन फंक्शन है इनका जो सबसे बेसिक फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पैरालाइजिंग एंड किलिंग द प्रे क्योंकि फूड तो गैदर करना है शिकार तो करना पड़ेगा तो शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए तो इनके टेंटेकल्स पे जो पेनेट्रेंट्स रहते हैं दे पैरालाइज एंड किल द प्रे ग्लूटिनेंट्स जो होते हैं दे आर यूज फॉर डिफेंस और अटैचमेंट्स ग्लू ग्लूटिनेंट्स, अटैचमेंट के लिए ठीक है तो दे बेसिकली आर यूजफुल टू गेटिंग अटैच टू सबस्ट्रेट किसी जगह पे अटैच होने के लिए या फिर डिफेंस के लिए यूज होते हैं वही वॉलवेंट्स जो होते हैं दे कॉयल अराउंड द प्रे अगेन टेंटेकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका फूड कलेक्शन और डिफेंस तो फूड कलेक्शन के टाइम पे और डिफेंस के लिए आपके टेंटेकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही दे शो वेल मार्क् पॉलीमॉर्फिज्म विच वी हैव डिस्कस्ड पॉलीमार्फिज में है आते हैं आपका पॉलिप एंड मेड्यूसा डिफरेंट फॉर्म्स शो करेंगे मेटाजेनेसिस शो करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं तो डेफिनेटली वेल मार्क्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी डिफरेंट फॉर्म्स शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एक एनिमल प्रेजेंट होगा तो आपके निडारियंस जो है वो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो वेल मार्क् पॉलीमॉर्फिज्म तो डेफिनेटली है द इंडिविजुअल्स और जुआइड्स इसके इंडिविजुअल को जुआइड्स भी कहा जाता है आप प्रेजेंट इन कॉलोनी फॉर डिफरेंट फंक्शंस ये क्या करेंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक साथ एक कॉलोनी फॉर्म करेंगे उस कॉलोनी में ये क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट जुआइड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि हम हैं हम ह्यूमन्स हैं अब जब हम एक ऑफिस में काम करते हैं ठीक है तो हम बेसिकली एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं समझ लीजिए है कि डिफरेंट हम जइड हैं और हम मिलके एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं अब कॉलोनी में सब एक ही काम करेंगे तो कैसे चलेगा किसी को कुछ काम करना पड़ेगा किसी को कुछ का। जैसे कि फैमिली ऑफिस तो छोड़ दो फैमिली आपके घर में सब एक ही काम करते हैं नहीं मम्मी आपके घर चलाती है पूरा घर देखती है वही फादर भी उनको हेल्प करते हैं लेकिन वो बाहर भी जाते हैं वही आपका भाई जो है वो पढ़ता है या जॉब करता है जो भी है आपकी बहन कुछ करती है आप कुछ करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहानियाँ सुनाते हैं वो घर में सबको कंट्रोल करते हैं सबके ऊपर बराबर ध्यान रखते हैं कि सब सही है या नहीं है सबका अपना अपना काम है सेम आपके जो सिलेंट्रेट्स आपके जो निडारियंस हैं ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और इस कॉलोनी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अब इसके बेसिस पे डिफरेंट जुआइड्स होते हैं जैसे कि है आपके डेक्टेलो जुआइड्स क्या करेंगे ये आपके कॉलोनी को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे वो किसी को अटैक नहीं करने देंगे आपकी कॉलोनी पे वही आपके गैस्ट्रो जो है वो कॉलोनी को फीड करेंगे वो कॉलोनी के लिए फूड गैदर करेंगे फूड का इंतजाम करेंगे और वही आपके गोनो जो होंगे वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके गेमिट्स फॉर्म करेंगे आपकी कॉलोनी को प्रोपोगेट करेंगे उसको एक्सपांड करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जुअर्ड्स आपके इंडिविजुअल्स क्या काम करते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है डैक्टिलोजुआइड्स गैस्ट्रोजोइड्स और में. अब next देखने का समय आ गए नेक्स्ट फाइलम हमारा एग्जैक्टली exactly है, तो, तो है, है हमारा जो फाइलम टीनोफोरा है इट इज कॉमनली नोन एज सी वॉल कोम जेलिस एंड सोफोर्थ कोम जेलिस क्यों बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं दे हैव प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोको मोशन ऑल्सो द डाइजेशन इज बहुत एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेलुलर और जो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टीनो फोर का वो है प्रेजेंस ऑफ बायोल्यूमिनेशंस अब बायोल्यूमिनेशंस क्या है बेसिकली इनकी बॉडी लाइट इमिट करती है ये सुंदर ऐसे दिवाली पे कैसे लाइट्स लगती है वैसे दिखते हैं ये रात के समय दिन के समय वो बिल्कुल जेली का एक बॉल पड़ा है ऐसे दिखेंगे लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है ये खुद का लाइट इमिट करना शुरू कर देते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं आगे हम देखेंगे कैसे कितने सुंदर दिखते हैं सो बाइलि इज वेरी वेल मार्क् प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोर्स यहां सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दैट मीन्स दे आर हार्माफ्रोडाइट्स अगेन रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स डेफिनेटली यहां भी कोई लार्वा आना ही आना है तो ये हो गया आपके तीनो फोर्स माइनर फाइला है बहुत सारे इसमें स्पीसीज आइडेंटिफाइड नहीं है बट यस yes, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो हमारी बायोल्यूमिनेशंस की थी सो यस इट इज़ इंपॉर्टेंट बट इट्स अ माइनर फाइल बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे मेजर फाइल है उनमें बहुत सारी स्पीसीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं तो अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं तो अब जो मैंने कहा था कि दिन के समय तो बिल्कुल जेली का एक बॉल पड़ा हुआ है ऐसे दिखेंगे बट रा, रात में वेन द लाइट इज डिम वो खुद का लाइट इमिट करते हैं देखो ऐसा लग रहा है कि दिवाली में लैंटर्न नहीं लगाते हैं हम लोग घर के बाहर आकाश दीप ऐसा ही कुछ बोलते हैं हाँ ऐसा ही बोलते हैं उस तरह का दिख रहा है लैंटर्न जैसा दिख रहा है तो हाँ वो बहुत सुंदर होते हैं सो बॉडी ऑफ टीनोफोर मे और मोनो मे नॉट हैव टेंटैकल्स बट इफ दे हैव टेंटैकल्स दे विल नाट हैव निमैटो सिस्ट निमाटोसिस्ट सिस्ट कहाँ देखे थे हमने हमने देखे थे सिलेंट्रेट्स में निडारियंस में देखे थे तो उनके टेंटैकल्स पे प्रेजेंट होते हैं उनके निमेटोसिस्ट बट इन केस ऑफ टीनो फोर अगर टेंटैकल्स है वैसे तो प्रेजेंट नहीं होंगे बट अगर प्रेजेंट है तो उन पे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होंगे सेकेंड क्या है यहाँ जो बताया गया है यहाँ होते हैं कोलोब्लास्ट अगर निमेटो नहीं है तो कुछ तो होगा टेंटाकल्स पे टेंटाकल्स ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे तो टेंटाकल्स पर प्रेजेंट होते हैं आपके कोलोब्लास्ट सेल्स विच आर एडहीसिव सेल्स जो कि किसी चीज को अटैच करने में हेल्प करता है देन डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल विथ अ सीलिएटेड स्फ़ेरिकल साइडिपेड लार्वा आपको बताया था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज तो आनी है तो इसमें भी एक लार्वल स्टेज होती है ड्यूरिंग द डे टाइम ये तो मैं दो बार बोल चुकी हूँ कि ड्यूरिंग डे टाइम बहुत अजीब से दिखते हैं मछी मछी एकदम जली जली बट नाइट टाइम बहुत सुंदर दिखते हैं मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने लाइट्स लगा दी है और डिस्को लाइट्स कई बिल्कुल डिस्को वाला माहौल बन जाता होगा सी में इतने सारे टीनो फोर्स प्रेजेंट होते होंगे तो देन आई टोल्ड यू कि माइनर फाइला है ओनली हंड्रेड ऑफ लेस देन हंड्रेड स्पीसीज आर नोन फ्रॉम टीन ओ बट दे आर येट वेरी इम्पोर्टेंट इसीलिए तो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में बिना मतलब की चीज़ तो हम कभी पढ़ते ही नहीं जो हमारे मतलब का हम वही उसी के बारे में डिस्कस करते तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा तो चलो इसका इंपॉर्टेंस तो बता दिया अब आगे जाते हैं आगे वाला फाइलम क्या है आगे हैं हमारे प्लेटी हेलमिंथिस प्लेटी हेलमिंथिस बेसिकली है आपके फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स क्यों है क्योंकि उनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है चपटी होती है बिल्कुल चपटी बॉडी होंगी तो ऐसे ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वर्म्स तो आपके प्लेटी हेलमिन्स है आपके वर्म्स फिर उसके बाद क्या है मोस्ट ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स मतलब पैरासाइट का मतलब है कि वो किसी और की बॉडी पे जीते हैं किसी और के सहारे जीते हैं किसी और के आधार पर जीते हैं और एंडो पैरासाइट्स का मतलब क्या है कि किसी के आधार पे तो जी रहे लेकिन उसके बॉडी में घुस के जी रहे हैं बिल्कुल अंदर जा के जी रहे हैं तो इस तरह के जो वर्म्स हैं या यहाँ अगर हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स तो इस तरह के फ्लैट वर्म्स जो कि या इस तरह के जीव इस तरह के जंतु जो किसी और एनिमल के या किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके रहते हैं उसके अंदर जाके अपना मतलब निकालते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडो पैरासाइट्स तो आपके जो प्लेटी है वो बेसिकली मेजोरिटी ऑफ देम आर एंडो पैरासाइट्स ठीक है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स

बट कुछ जो होते, होते होते flame cells. Flame cells होते जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिशन डिराइव करने में भी होते होते हैं हैं उसके बाद आपके स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स बेसिकली क्या होते हैं फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो प्लेटी हेलमेंट्स में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं प्लेटी हेलमेंट्स में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो फ्लेम सेल्स उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर भेजने में उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे तो योर फ्लेम सेल्स आर बेसिकली एक्टिंग एज योर एक्सक्रीटरी सेल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। अगेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे आर हर्मा ओके फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल And development is through many larval stages. There are many larval stages in case of platyhelminths. Planaria possess capacity of regeneration. Regeneration kya hai तो ऐसे animals कुछ होते हैं कि अगर आप उन्हें कट कर दें, आप उन्हें शतीग्रस्त कर दें, तो वो अपने damaged part से complete organism या फिर उस ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट रीजनरेट करने में पुनः बनाने में सक्षम होते हैं अब जैसे कि प्लानेरिया का इन्होंने बताया कि प्लेनेरिया हैज़ अ इमेंस कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन तो अगर आप प्लेनेरिया जो आपका एक वर्म है अगर आप उसको बेसिकली कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में तो उसका हर एक पीस एक नए प्लेनेरिया को डेवलप करने में केपेबल होता है तो यहाँ जैसे इन्होंने क्या किया कि प्लेनेरिया को तीन हिस्सों में कट कर दिया वो तीन हिस्से ऑटोमेटिकली तीन छोटे प्लानेरिया डेवलप करेंगे जो आगे जाके डेवलप होके मेच्योर होंगे बड़े होंगे खुद का साइज ग्रो करेंगे लेकिन हाँ छोटे छोटे फ्रैगमेंट से प्लानेरिया फॉर्म होता है उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है तो ऐसी कैपेसिटी ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे एनिमल अगर या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपना कोई लॉस्ट पार्ट या फिर कंप्लीट बॉडी एक छोटे से फ्रैगमेंट से रीजेनरेट कर सकते हैं इस तरह के फिनोमिनो को कहते हैं हम रीजनरेशन एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स अगर हम देखें प्लेट के तो आपके आते हैं टेनिया सोलियम, फिर फैसियोलापैटिका टेप वर्म, आ, लिवर फ्लू ये सब है आपके प्लेटी हेलमेंट्स के एग्जाम्पल्स अब और क्या है इसमें और इसमें ये है कि आपके जो प्लेटी हेलमेंट्स है इनमें सिंपलेस्ट बॉडी प्लान जो है ठीक है वो दिखाई देता है विद बायलैटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी प्लान हमने देखा था बायोलेटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू हुई थी हमारी यही से शुरू हुई थी पहले क्या था हमारा पोरी फेरा तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है फिर आता है आपके टीनो फोर्स फिर और आपके कौन से थे आपके टीनो फोर्स थे और आपके सिलेंट्रेट थे रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे आपका बायोलेट्रल सिमेट्री शुरू हुआ था आपके प्लेटी हेलमेंट से तो यस आपके प्लेटी हेलमेंट सिंपलेट एनिमल्स सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स है जो कि बायोलेट्रल सिमेट्री शो करते हैं देन फर्स्ट एनिमल्स, इसके पहले थे पोलिफेरा में तो कोई स्कोप ही नहीं था आपके टीनोफोर्स और आपके निडारियंस थे आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तो फर्स्ट फाइला हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज योर प्लेटी हेलमेंट्स सिंस प्लेटी हेलमेंट्स आर ए

क्योंकि अगर हम उनको क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो वो राउंड होते हैं इसीलिए हम उनके कहते हैं राउंड वर्म्स सो दीज आर सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन दीज में बी फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड और ठीक है टेरिस्टियल और दे कैन बी पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं इनके एक्वेटिक भी हो सकते हैं आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं हियर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट ठीक है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब क्या है खुशी फाइनली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया डाइजेस्टिव कंप्लीट का मतलब क्या है माउथ भी होगा और एनस भी होगा तो इनमें कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हो विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम दी एक्सक्रीटरी पोर थ्रू दी एक्सक्रीटरी पोर ऑल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड देन व्हाट्स नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट नॉट हर्मफ्रोडाइट सेक्सस आर सेपरेट दैट मींस दीज आर डायशियस डायोशियस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल बिल्कुल डिस्टिकली दो अलग इंडिविजुअल्स होंगे हारमाफ्रोडाइट्स नहीं होंगे हारमाफ्रोडाइट्स आर ऑल्सो मोनोशियस सो आपके जो एस्किलस है वो आपके डायोशियस ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें वेल मार्क् मेल एंड फीमेल डिस्टिंगशिंग कैरेक्टर्स होते हैं देन ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्किल में फीमेल आर मोर ऑफन लॉन्गर और लार्जर देन मेल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट दैट मीन्स यंग वंस ही प्रोड्यूस होंगे यहां पे आपका कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगा और अगर लार्वल स्टेज है मोस्टली इट इज डायरेक्ट बट इन सम केसेस इट कैन बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑल्सो ठीक है तो पहले अभी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि लार्वल स्टेज होते ही होते हैं बट इस केस में लार्वल स्टेज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा एग्जाम्पल में आते हैं आपके एस्कैरिस विच इज योर राउंड वर्म विचेरिया जिस इज जो है आपका फाइलेरियल वर्म एंड एनसाइलोस्ट्रोमा विच इज योर हुक वर्म अब फाइलेरियल वर्म जो है बेसिकली बहुत आ, क्या कहते हैं उसे बहुत सेमिलियर टाइप का है क्यों आपने एक कंडीशन देखी होगी एलिफेंटासिस एलिफेंटासिस या फाइलेरिएसिस इसमें क्या होता है आपको जो मतलब जो सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है वो है कि आपके जो पैर होते हैं कुछ लोगों के जो पैर होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ऐसा लगता है हाथी का पैर है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एलिफेंटासिस। और ये किसकी वजह से होता होगा ये होता है आपका फाइलेरियल वर्म की वजह से आपके वुचेरिया की वजह से तो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली क्लिनिकली क्योंकि ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिसीज कॉजिंग वर्म है और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वॉट्स डे तो जैसे कि मैंने आपको एलिफेंटाइसिस बताया था इस तरह से कुछ पैर दिखता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियसिस और ये होता है बेसिकली आपके वुचेरिया के एक लार्वल स्टेज की वजह से जिसे हम कहते हैं माइक्रो फाइलेरिया इस माइक्रो फाइलेरिया के कारण होता है एलिफिनटासिस तो एस्कलमेंटेज आर आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स राउंड वर्म्स तो कहती हैं और उसके साथ साथ हम इन्हें क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं निमेटोड्स और सैक वर्म्स ना एस्कलमेंटेज में जो लार्वे होते हैं वो तीन तरह के बेसिक आप देख सकते हैं पहले है आपका फाइलेरियल लार्वा फिर आता है आपका माइक्रो फाइलेरिया और थर्ड आता है आपका रैबडिटो फॉर्म तो ये है आपके एस्किल एस्किलमिंत के तीन बहुत ही बेसिक या बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ लारवाज मोस्टली दीज आर पैरासिटिक एंड कॉजिस डिजेस आप देख सकते हैं दीज आर पैरासिटिक एंड कॉज सिवियर प्रॉब्लम्स इन एनिमल्स देन कॉमन डिसीजेस एसोसिएटेड विथ योर निमोड इज एस्करेसिस बिकॉज ऑफ एस्केरिस फाइलेरियस इज कॉज बिकॉज ऑफ फाइलेरिया फाइलेरियल वार्म विच इज़ योर वुचेरिया, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कॉज करते हैं सो इकोनॉमिकली दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है हमारा फाइलम एनेलिडम बहुत मतलब इससे रिलेटेड uh, जो एग्जाम्पल है वो सबको बहुत क्रीपी लगता है अर्थ वर्म्स स्लाइमी स्लाइमी एकदम मुझे नहीं लगते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं so सो anyway, एक वे एक यूजल रिस्पॉन्स सो ठीक है बट वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल एनिमल किंगडम इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल इतना सुंदर है और इतना डाइवर्स है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को देख के इतना इतना सुकून पहुंचता है ना मतलब जैसे फूलों को देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम तो अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है और जब आप एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उतना ही सुकून मिलता है एनिमल्स को देखने के बाद भी छोटे छोटे एनिमल्स जिनको शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा आपके आसपास बहुत सुंदर होते हैं आपके पास बस नज़र होनी चाहिए उन्हें देखने की वरना डॉग कैट काउ गोट तो हम सभी देखते हैं उसके अलावा भी ज़मीन पे कभी नज़र है आपको कई सारे आ, जो एनिमल्स हैं वो दिखाई देंगे वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अर्थवर्म्स उनमें से ये एक है और अर्थवर्म्स आते हैं आपके फाइलम एनिलीडा के अंडर तो ये फाइलम एनिलीडा है क्या बेसिकली दीज मे बी एक्वाटिक मराइन और फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल में आपका अर्थवर्म दीज मे बी फ्री लिविंग एंड समाइम पैरासिटिक नॉट द बॉडी बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन टू सेगमेंट्स विच इज कॉल्ड एज योर मेटामर्स सेगमेंट्स में है हम लोगों ने जब सेगमेंटेशन देखा था तो हमने देखा था कि सेगमेंटेशन दो फाइलों में प्रेजेंट है आपके एनिलिड्स में प्रेजेंट है और आपके आर्थरोपोर्ड में भी प्रेजेंट है तो यस फर्स्ट जहाँ पे सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो फाइल है आपका एनलीडा इसमें होते इसका नाम क्यों एनलीडा है लैटिन वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं जो आपके जितने भी ऐसे उल्टे पुल्टे घुमा फिरा के एकदम टंग ट्विस्टिंग नाम होता है ना सब लैटिन वर्ड्स हैं उनके लिए बहुत आसान है हम हम तो हम बोलते बोलते ही ऐसे दो मिनट रुक जाते कि भाई इसको बोलते क्या है तो हाँ आगे जब हम कभी पढ़ते हैं जब आप बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम पढ़ने जाते तो कई ऑर्गेनिजम्स के नाम तो ऐसे होते हैं कि ऐसे गहरी सांस लेनी पड़ती है और फिर देखना पड़ता है भाई ये है क्या मतलब ऐसा मतलब दो चार बुआत बोलने के बाद भी वो बराबर नहीं आता आप फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो नाम पढ़ लेते हो और फिर जब आप टीचर के सामने बोलने जाते हो ना तो ऐसा ही होता है तो हाँ तो आपके जो एनड है वो लैटिन नेम है एन्यूलस और एन्यूलस का मतलब है रिंग So, annulus से डिराइव्ड है आपके एनलिडा नाम क्योंकि इनमें छोटे छोटे रिंग्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं इसीलिए दे अ एंड मसल्स हेल्प्स इन इन लोकोमोशन केस ऑफ नेरिस जो कि एनिलिड्स में आते हैं जैसे कि ये इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जो एक्वेटिक एनलिड होते हैं इनमें लैटरल हैं अभी आपको बताया पैरापोडिया एंड विच हेल्प इन लोकोमोशन विच इज़ स्विमिंग देन नेक्स्ट यू हैव इज दैट दे हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है यहाँ से आपका क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम शुरू हो गया जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो फ्यूज है क्लोज है यहाँ पे कहीं भी ब्लड आउट नहीं होता आपका जो बॉडी फ्लूड है वो लीक आउट नहीं होते फिर उसके बाद नेफ्रीडिया विल हेल्प इन एक्सक्रीशन इसके पहले हमने देखे थे फ्लेम सेल्स तो फ्लेम सेल्स हेल्प कर रहे थे एक्सक्रीशन के लिए बट इन केस ऑफ एनिलेट देर आरफ्रीडिया ऑल्सो सिंगुलरली कॉल्ड एसियम एंड इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट देन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेड गैंगलिया एंड इज कनेक्टेड बाय लैटर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड वी नो नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने जब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने कहा था कि जो नर्व कॉर्ड है उनका जो नर्वस सिस्टम है दैट इज वेंट्रल वे इन केस ऑफ कॉर्डेट्स हमने क्या पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम है दैट इज डोर्सल हमारे पीछे वाली साइड में हमारा वर्टिबल कॉर्ड हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स इट इज वेंट्रल सो दो गैंग्लिया प्रेजेंट हो दो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया Which connect which are connected by lateral nerves. sideways. Lateral means sideways. Lateral nerves present and they are attached to a double ventral nerve cord. Then again, neris fera it is dioecious. That means male and female are distinguishably different individuals, but earthworm leeches are monoecious no distinguishing.

आपके एनिमल्स जो एनिलिट हैं, दे आर ट्रू सीलोमेट। नाउ दे हैव अ फर्स्ट फाइल अगेन अ फर्स्ट फाइला हैविंग अ ट्रू हार्ट अ हार्ट टू पंप ब्लड इन साइड बॉडी। देन अगेन द सीलोमिक स्पेस एंड द सीलोमिक फ्लुइड आर वेल डेवलप्ड फ्रॉम द सर्क्यू एंड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इसमो सिलोमिक सिस्टम सिलोम है तो उसमें सर्कुलेशन भी होगा और ऐसे सिस्टम को कि जिस जहाँ सीलोम में आपका सर्कुलेशन हो रहा है सीलोमिक स्पेस और आपका सीलोमिक फ्लूड जो है वो मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है बॉडी में तो इस केस को हम कहते हैं और इस केस को एनिलिड्स में कहते हैं हीमोसीलोमिक सिस्टम लेट मी सर्क्यूलेशन भी हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है आपके सीलोम में हो रहा है सीलोमिक फ्लूड में हो रहा है तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सिस्टम नो मिनरलाइज स्केलेटन प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड द फ्लूड ऑफ द सीलोम सर्व एज हाइड्रोस्केलेटन कोई भी ठोस कोई स्केलेटन सपोर्ट प्रेजेंट नहीं होगा बट हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होगा किसकी वजह से आपके सीलोमिक फ्लूड की वजह से जो लार्वल स्टेज है इट इंक्लूड्स ट्रोकोफोरा लार्वा हमने कहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इन लोगों में तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें एक लार्वा भी आएगा और उस लार्वा को हम जो मेन जो एक कॉमन टाइप का लार्वा है उसे हम कहते हैं ट्रोकोफोरा लार्वा अब आ गया हमारा नेक्स्ट फाइलम अब आर्थ्रोपोडा जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है सबसे बड़ा इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि आप पढ़ते थक जाएंगे इनमें इंक्लूडेड आपके स्कॉर्पियंस, आपके टेक्स माइट्स आपके स्पाइडर्स, आपके इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स बेसिकली आपके बायोडाइवर्सिटी का ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट से भी ज़्यादा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सो सोच लीजिए कि एक फाइलम का एक छोटा सा हिस्सा एक क्लास इतना सारा स्पेस कवर कर लिया है तो वो फाइलम कितना बड़ा होगा तो ये बेसिकली एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट इंक्लूडिंग बहुत ज्यादा डाइवर्स है सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल द नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड टू थर्ड जस्ट इमेजिन टू थर्ड इतना सारा हिस्सा सिर्फ आपके आर्थ्रोपोड्स ने घेर के बैठा है आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है ना बॉडी का छोड़िए सबसे पहले आर्थ्रोपॉड्स क्यों हैं आर्थ्रोपॉड्स इसीलिए है क्योंकि इनमें जॉइंटेड अपेंडजेस प्रेजेंट होती हैं जॉइंटेड अपेंडजेस की वजह से ही इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपॉड्स आर्थ्रोस मींस जॉइंट यस आर्थ्रोस मींस जॉइंट एंड पोडास मींस अपेंडजेस और इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एक है हेड, एक है आपका अबडामिन और एक है आपका थोरैक्स ठीक है हेड थोरैक्स एंड अबडोमिन में डिस्टिंग होती है अब इनमें रेस्पिरेशन जो है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के आ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है वेरी डाइवर्स इनमें गिल्स होंगे इनमें बुक गिल्स भी होंगे अब बुक गिल्स का मतलब क्या है कि जो गिल्स है वो बेसिकली किताब के पन्नों की तरह अरेंज्ड होंगी ठीक है कुछ इस तरह से ठीक है तो ये एक पन्ना ये एक दूसरा पन्ना तीसरा पन्ना चौथा पन्ना तो जो गिल्स है उनका अरेंजमेंट बेसिकली किसी बुक के पेजेस की तरह होता है इसीलिए इस तरह के गिल्स को कहते हैं हम बुक गिल्स कहते हैं अगेन इनमें बुक लंग्स होती हैं लंग्स सिमिलरली बुक के जैसे ही उनका जो होता है पैटर्न होता है इसीलिए बुक लंग्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और इनका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है वो होता है आपका ओपन टाइप का सर्क्यूलेटरी सिस्टम दैट मीन्स इनमें जो ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी में एक पॉइंट पे लीक होता है बाहर चला जाता है आपके सेल्स जो होते हैं इनके बॉडी में वो डायरेक्टली आपके ब्लड में बात करते हैं इमर्स रहते हैं तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मैंने पहले ही बताया कि वो होता है आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सो आर्थ्रोपोर्स में आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जा सकता है अगेन सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना अगर आप बटरफ्लाइज देखते हैं तो बटरफ्लाइज के सिर के ऊपर आपको दिखेंगे दो एंटीना देख रहे हैं आप ये ग्रास ऑपर ये एंटीना होते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन फिर होते हैं इनकी आइस कंपाउंड आईज एंड स्टैटोसिस्ट स्टैटोसिस्ट वेरी प्रोमिनेंट इन केस ऑफ योर ब्रॉन्स बैलेंसिंग ऑर्गन होता है तो ये सारे के सारे हो गए आपके सेंस ऑर्गन आपके आर्थ्रोपोड्स में अब नेक्स्ट क्या है इसमें इसमें है एक्सक्रीशन थ्रू मालफेजियन टिब्यूल्स इससे पहले हमने क्या देखा था फ्लेम सेल्स देखा फिर नेफ्रीडिया फिर आ गया अपने मालफेजियन टिब्यूल्स धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट फाइलम्स की वो बढ़ती जा रही है अब इसमें क्या आ गया इसमें आ गया आपके मालफेजियन टिब्यूल्स और ये क्या है ये मोस्टली डायोशियस होते हैं फिर उसके बाद क्या कहा है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड मोस्टली ओवी पैरस अब ओवी पैरस का मतलब क्या है ओवी पैरस का मतलब है कि अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ एनिमल्स डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं जैसे कि मैमल्स जैसे कि हम हम जो है हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली पैदा होते हैं अंडे में आते हैं पैक होके, नहीं आते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें डायरेक्टली यंग वन बर्थ लेता है ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम वी, वी पैरस ऑर्गेनिजम्स और ऐसे एनिमल्स जिनमें अंडे के थ्रू कोई यंग वन बर्थ लेता है ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओवी पैरस एनिमल्स तो आपके जो इन जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो है आपके ओवी पैरस एनिमल्स डेवलपमेंट इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट लार्वल स्टेजेस हो सकते हैं तो अब क्योंकि इतना बड़ा फाइलम है तो इनमें जो हम डिफरेंट अं ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो उनको हम किसी बेसिस पे देख लेते हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट में आते हैं आपका एपिस एपिस इज योर हनी बी हनी बी है आपका एपिस देन बॉम्बिक्स सिल्क वर्म देन लैसीफर इज़ योर लैक इंसेक्ट वेक्टर्स वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये जो एनिमल्स uh, है ये किसी पैथोजन को आपकी बॉडी में किसी एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं जैसे कि अगर हम कहें कि अनोफिलिस मस्किटो, फीमेल अनोफिलिस मस्किटो एक्ट्स एज ई वैक्टर केस ऑफ मलेरिया मलेरिया पैरासाइट जो है उसको बाहर से किसी और की बॉडी से आपकी बॉडी में लाने का काम कौन करता है आपका फीमेल अनोफिलिस मस्कीटो तो फीमेल अनोफिलिस मॉस्टो क्या हो गई वेक्टर हो गई तो यस एनोफिलिस देन क्यूलेस एडीज तो ये सारे के एनोफिलिस क्यूलैक्स एडीज ये सारे के सारे आपके मस्कीटोज के टाइप्स हैं मस्कीटोज के डिफरेंट स्पीसीज हैं देन ग्रिगेरियस पेस्ट ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब पेस्ट तो वो हो गया कि जो आपके लिए हानिकारक है और ग्रिगरियस का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है जैसे कि टिड्डी का हमला अभी आपने रिसेंटली सुना होगा साल भर आई थिंक हो गया उस चीज़ को ऑलमोस्ट टिड्डियों का हमला हुआ था पूरे पूरे खेतों को खा गई थी डैमेज कर दिया था पूरे शहरों में इतनी टिड्डियां फैल गई थी कि मतलब जहां देखो वहां सिर्फ टिड्डी ही टिड्डी तो टिड्डी लोकस्ट। तो लोकस्ट पेस्ट देन लिम्यूलस इज अ लिविंग फॉसिल इसमें कई सारे सालों से कई हजारों सालों से कोई चेंज नहीं आया है इसीलिए इसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल बहुत सारे सालों से उसमें कोई भी चेंज नहीं है वो जैसा का वैसा है सो दैट्स वाई इट इज लिविंग फॉसिल तो योर लिमिलस विच इज किंग क्रैब इज अ लिविंग फॉसिल अब इतना बड़ा है ये फाइलम कि इसके बारे में बोलते नहीं थक सकते लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे अब इंपॉर्टेंट में ये भी आते हैं कि एज द साइज ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस इट्स एग्जोस्लिटन स्प्लिट्स ओपन एंड इज सेट बाई द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस नोन एज मोल्टी दिख रहा है आपको कि जैसे कि आप छोटे थे आप जब पांच साल के थे आपके पास कोई बहुत ही अच्छी ड्रेस होगी आप अभी वो पहन सकते हैं नहीं आपने वो त्यागी ही इसीलिए है क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया कि आप उसमें फिट नहीं आ रहे थे इसीलिए आपको चाहे जितनी पसंद थी वो ड्रेस आपको उसको छोड़ना पड़ा तो ये जो होते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स, इनके साथ भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही केस होता है इनमें क्या होता है इनका जो एग्जोस्केलेटिन होता है इनका जो बाहरी स्केलेटन होता है एक पॉइंट के बाद वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते तो टाइम टू टाइम अपना एग्जोस्केलेटन शेड करते हैं अपना एग्जोस्केलेटन हटाते हैं और फिर उसके बाद उस एग्जोस्केलेटन के नीचे जो नया उसका मेम्रेन होगा वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है वो नया स्केलेटन जो है उसका नया जो मेम्ब्रेन है नया जो लेयर है वो हार्डन होना शुरू हो जाता है तो जो प्रोसेस होती है अपना एग्जोस्केलेटन त्यागने की उस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग वेरी वेरी कॉमन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स बहुत कॉमन है इंसेक्ट्स के केस में मोल्टिंग द सॉफ्ट एग्जोस्केलेटन विच लाइज बिलो Obviously, पुराना वाला अगर निकाला है तो नया वाला नीचे होगा ही रेडी वो सॉफ्ट होता है वो धीरे धीरे हार्डन होना शुरू कर देता है ऑल्सो द इंटरनल कैविटी सीलोम विच इज कॉल्ड एज हीम सी ठीक है इस फील्ड विथ अ फ्लूड कॉल्ड एज हीम एक्ट एज ब्लड एक्ट एज अ सर्क्यूलेट्री मीडियम जो हीमोलिम्फ है इट्स एक्ट्स एज अ सर्क्यूलेट्री मीडियम इनकेस ऑफ आर्थ्रोपोर्ट्स जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ होंगे तो आपके हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं अस ये बहुत कॉमन है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स अगेन स्पर्माटोफोर्स स्पर्माटोफोर्स क्या होता है जो मेल्स होते हैं बेसिकली वो फीमेल में अपने स्पॉम्स ऐसे ही डायरेक्टली ऑन नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे एक सील पैकेट तैयार करेंगे स्पर्म्स का और वो पैकेट का पैकेट वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे उस पैकेट को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स फोर्स तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है आपके आर्थ्रोपोड्स का अब इसके बाद क्या है इसके बाद है आपका फाइलम मोलिस्का फाइलम मोलिस्का में क्या है आपका फाइलम मोलिस्का में आते हैं जो आपका पाइला, ऑक्टोपस ये सारे आप क्या आएंगे फाइलम में। जैसे आर्थरो सबसे बड़ा है तो आर्थ्रोपोर्ट के बाद जिस फाइलम का नंबर आता है वो है आपका फाइलम सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल्स कैन बी टेरेस्टियल और एक्वाटिक। अगर एक्वाटिक है तो मरीन और फ्रेश वॉटर दोनों हो सकते हैं देन बॉडी इज कवर्ड विथ अलकेरियस शेल कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड हमने देखा था सेगमेंटेशन कहा देखा था एनिलिड्स और आर्थरोगमेंटेशन नहीं होता है सो अगेन बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट विथ अ डिस्टिंगर फुट एंड असरिल अगर पायला के केस में देखते हैं पायला को हम एपल स्नल भी कहते हैं तो आपको एक कैलकेरियस शेल दिखाई देता है तो दिस इज अ वेरी पिक्यूलर कैरेक्टर ऑफ योर यूर का प्रेजेंस ऑफ कैलकेरियस शेल एंड ऑल्सो डिस्टिंग हेड मस्क्यूलर फुट एंड एंडरिल हम देन अगेन अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल मेंटल किसके ऊपर होता है आपके विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है स्पॉन्जी मेंटल और जो मेंटल और विसरल हम्प, हम्प के बीच की स्पेस होती है उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी विच इज फेदर लाइक वेयर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है आपके गिल्स क्योंकि ये अगर एक्वाटिक है तो आपके गिल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपके जो गिल्स रहेंगे मोलिफ के केस में वो प्रेजेंट रहेंगे आपकी मेंटल कैविटी में और मेंटल कैविटी क्या है मेंटल और विसरल हम के बीच की स्पेस अब इसमें आता है गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फंक्शन एज एक्सक्रीटरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन आपके गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन भी होगा और एक्सक्रीशन भी होगा वेस्ट प्रोडक्ट भी वहीं से एलिमिनेट होंगे देन अगेन एंटीरियर हैड रीजन हैज सेंसरी टेंटैकल्स टेंटाकल्स अगेन हेड स्नेल अगर आपने देखी होगी तो स्नेल के सिर पर भी होते हैं आपके टेंटाकल्स तो वो जो टेंटाकल्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एनवायरमेंट को सेंस करते हैं देन माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेड्यूला वेरी इंपॉर्टेंट जो रेस्पिंग रेस्पिंग काइंड ऑफ माउथ होता है ठीक है वो आपके मलुस्क में प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन सो रेड्यूला इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर मलुस्क कैरेक्टरिस्टिक मतलब वेरी पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मलुस्का रेड्यूला देन यूजअली डायोशियस एंड ओवीपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओवीपेरस मीन्स एगलिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा एंड डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों भी इनके केस में डिफरेंट रहेंगे देन एग्जाम्पल्स में आएंगे आपका पाइला पिनाक्टाडा सेपिया लॉलीगो ऑक्टोबस डेंटीलम अपल्सिया एंड ऑल ये सब आते हैं आपके एग्जाम्पल्स हो है आपके मलिस्क के फाइलम मलुस्का के अब आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें है कि दीज आर काइटिन काइटन जो है इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल सबसे बेसिक ऑलुस्कुस्क अगर हम कहें तो काइटिन जो है वो सबसे बेसिक मुलुस्क है सबसे प्रिमिटिव मुलिस्क है एंड ऑल्सो देल्स ऑफ मुलुस्क कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल बाईव और यूनिवॉल्व अब जो शेल्स है जो कैलकेरियस शेल है हमने कहा कि मुलिस्का में शेल होना इम्पॉर्टेंट है तो शेल दो तरह से हो सकते हैं एक तो इंटरनली प्रेजेंट होगा बॉडी में या तो फिर एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा जस्ट लाइक इन केस ऑफ पाइला वैसे ही अगर शेल है तो शेल दो तरह के हो सकते हैं एक होता है यूनिवाल्व और एक होता है बायवाल्व अगर यूनिवाल्व की बात करें तो वो एक सिंगल शेल होगा और वही अगर बाई वेल्व की बात करें तो आपने ऑयस्टर देखा होगा दो वेल्व होते हैं क्लोज होता है वो तो ऐसे होता है यूनिवाल्व और बाई वेल्व तो आपके जो कैलकेरियस शेल्स हैं मोलिस के केस में वो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं और वो यूनिवेल्व हो सकते हैं या फिर बाई वेल्व भी हो सकते हैं फिर क्या कहा है उन्होंने कि इट्स सेफेलाइजेशन सेफेलाइजेशन का मतलब क्या है एक डिस्टिंक्ट हेड रहेगा जिसमें कि आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसमें कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा सो दे हैव बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल दैट मीन्स हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज सीन इन केस ऑफ योर मोलिस्क मोलिस्क में आपका जो नर्वस सिस्टम है इट इज वेरी हाईली डेवलप्ड क्योंकि भी हो गया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा ही कुछ इसमें आ चुका है तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइला नेक्स्ट फाइलम है आपका इकाइनो डरमाटा अब इकाइनो डरमाटा में क्या है तो बेसिकली आपका जो इकाइनो डरमाटा है उसमें आते हैं आपके स्टार फिश एंड ऑल ये है आपका इकाइनो डरमाटा अब इकाइनो डरमाटा का जो कैरेक्टर है वो क्या है

एंड इन केस ऑफ दे हैव बायलैटरल सिमेट्री हम लोग जब चार्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि मैंने लिखा था कि रेडियल और बायलैटरल दोनों तरह की सिमेट्री आपके इकाइनोडम्स में देखी जा सकती है तो वो इसीलिए क्योंकि उनके डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में वो डिफरेंट टाइप की सिमेट्री शो करेंगे जैसे कि लार्वल स्टेज में है तो बायोलेट्रल सिमिट्री होगी वो आपके अडल्ट स्टेज में है तो वो रेडियल सिमिट्री शो करेंगे तो इसी जो सिमिट्री है वो विट द डेवलपमेंटल स्टेज चेंज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट विथ अ माउथ एंड अ एनस माउथ विल बी ऑन द लोअर साइड एनस विल बी ऑन द अपर साइड मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द दॉटर वेस्कुलर सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन इकाइनोडाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उनका वाटर वेस्क्युलर सिस्टम जिसकी वजह से उनके बॉडी में फूड अंदर आता है और वेस्ट बाहर जाता है सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगेन इट आल्सो एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शेप टू दी एकाइनोडर्म्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम आल्सो एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट एंड सेक्सेस आर सेपरेट रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके स्टेरिस, विच इज यस सीआरचिन एंटीडोन सी लिली देन अगेन ऑफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार ये सारे हैं आपके इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल अब इकाइनोडर्म में और क्या है इकाइनोडर्म में हेड नहीं होगा स्टार फिश अगर आप देखें तो हेड नहीं है तो डेफिनेटली इकाइनोडर्म्स में सेफलाइजेशन भी नहीं है

सेंस ऑर्गन तभी हाईली uh, डेवलप्ड होते हैं जब आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होगा जितना पुअरली डेवलप रहेगा आपका नर्वस सिस्टम उतना ही आपका जो सेंस ऑर्गन रहेगा वो भी पुअरली डेवलप्ड रहेंगे देन इकाइनोडर्म्स में रीजनरेटिव पावर्स होती है हमने देखा था रीजनरेटिव पावर कार होती है हमारे प्लेनेरिया में भी थी वहां के बाद ये वर्ड अब आया है आपके इकाइनोडर्म्स में तो आपके जो इकाइनोडर्म्स है अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसके तीन लिम्स जो हैं वो काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं वही एक छोट दो जो है वो छोटे हैं वो इसीलिए छोटे क्योंकि वो रीजनरेट हो रहे हैं हो सकता है किसी कारणवश वो डैमेज हो गए हो तो जो आ, आपके इकाइनोडर्म्स है वो रीजनरेट आ, रीजनरेशन कैपेसिटी उनमें प्रेजेंट होती है सो तो ये भी एक उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इकाइनोडर्म्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन और रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है इनकी कि नॉट जस्ट एक्सटर्नल फीचर्स जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स uh, है या जैसे लिम्स हो गया ले, uh, और कुछ हो गया तो सिर्फ वही वो uh, दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते उसके अलावा वो इंटरनल ऑर्गन्स भी रीजनरेट कर सकते हैं तो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है केस ऑफ इकाइनो डर्म्स दे कैन ग्रो अ होल इंडिविजुअल फ्रॉम अ बॉडी फ्रेगमेंट एक छोटे से फ्रेगमेंट से भी वो अपना कंप्लीट बॉडी रिजनरेट करने में केपेबल होते हैं अब आखिर में आ गया हमारा हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा पहले इसको रखा गया था कॉर्डेट्स में बट अब इसको हम नॉन कॉर्डेट्स में कंसिडर करते हैं सो so, इस फाइलम में क्या है इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स और बॉडी का जो प्लान है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल एंड इज कम्पोस्ट ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक फाइन तो बॉडी के तीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स है आपका प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक ट्रंक इज वेरी लॉन्ग सो ऑलवेज ंग ट्रंक ऐसा लिखा जाता है सो so, तीन पार्ट्स है आपका प्रोबॉसिस कॉलर और ट्रंक उसके बाद है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा गिल्स के थ्रू का मतलब क्या है गिल्स के थ्रू है मतलब एक्वेटिक हैगन इज प्रोबॉसिस ग्लैंड सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट दैट मीन दे हैव अर्वल स्टेज इन बिटवीन एग्जाम्पल्स में है आपका बैलानोग्लॉसिस सेकैनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस अब जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज अप डाइजेस्टिव सिस्टम देन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने क्या कहा था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें होता है एक कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट दो लॉन्जिट्यूडनल वेसल और एक डॉर्सल और एक वेंट्रल वेसल। ब्लड इज कलरलेस कलरलेस इसीलिए क्योंकि उसमें कोई कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जो सेंसरी सेल्स है दे एक्ट एज सेंस ऑर्गन सरफेस के ऊपर जो सेंसरी सेल्स है दे विल एक्ट एज सेंस वो है टोर्रिया तो है, है यहाँ खत्म हो होता है आपका नॉन कॉर्डेट्स का पोर्शन नॉन कॉर्डेट्स का क्लासीफिकेशन तो एक फटाफट दो मिनट में इसको समराइज कर देते हैं हमने देखा एनिमल्स क्या होते हैं हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री सीलोम एम्ब्रियोनिक लेयर सेगमेंटेशन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ये सारे के सारे हैं आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बेसिस में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है इसके साथ साथ हमने देखा कि इवन डिपेंडिंग अपॉन द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट सर्क्यूलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज इनके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं तो एनिमल किंगडम का जो सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है वो है प्रेजेंस uh, और एबसेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो दे आर कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो दे आर नॉन कॉर्डेट्स आज हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। नॉन कॉर्डेट्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइला देखे तो पहला फाइला हमने देखा था पोरीफेरा पोरीफेरा के हमने कैरेक्टर्स देखे कि उनमें एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है देन हमें सिलेंट्रेट्स देखे सिलेंट्रेट्स में हमने देखा नीडोब्लास्ट होते हैं जो नीडोसिस्ट uh, need, uh, होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिर हमने देखा आपका टीनोफोरा टीनोफोरा में बेसिक जो बायलिमनिस होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट uh, कैरेक्टर है उनका हमने वो देखा कि हमारे जो टीनोफोर्स है वो क्या होते हैं फिर हमने देखे फ्लैट एलिमेंट्स विच आर फ्लैट वर्म्स फिर हमने देखे एस्किलमेंटिस विच आर राउंड वर्म्स फिर हमने देखे एनिलिड्स जिनमें सेगमेंटेशन होता है फिर हमने देखा आर्थ्रोपोड्स जो कि सबसे बड़ा फाइला है और उन, उनका नाम ही आर्थ्रोपोड्स इसीलिए है क्योंकि उनमें जॉइंटेड अपेंडेज़ेस प्रेजेंट होते हैं फिर हमने देखा मुलू का उसमें होता है आपका एक कैल्केरियस शेल आपका मेंटल होता है एक विसरल हम्प होता है फुट होता है मस्कुलर फुट शेल होता है तो ये सब है आपके मोलस्का के डिफाइनिंग फीचर्स फिर हमने डिस्कस किया इकाइनोडर्माटा हमने इकाइनोडरमाटा में हम देखा कि उनका वा, वा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत हाईली डेवलप्ड होता है वही उनका जो ब्रेन है वो बहुत पोअरली डेवलप्ड होता है जो उनका नर्वस सिस्टम है बेसिकली नॉट ब्रेन उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत पोअरली डेवलप्ड होता है आखिर में हम लोग ने देखा हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों ने क्या देखा कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो पहले तो हम लोग उनको कॉर्डेट्स में कंसिडर कर देते हैं लेकिन अब उनके कुछ कैरेक्टर्स की वजह से हम उनको नॉन कॉर्डेट्स में कंसिडर करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा फिर हेमी कॉर्डेटा में कि प्रोबॉसिस होता है कॉलर होता है ट्रंक होता है और बाकी सब चीज़ें अब हेमी हेमिकॉर्डेटा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम हैं वो सारे के सारे हैं आपके कॉर्डेट्स में तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉर्डेट्स बेसिकली है क्या कॉर्डेट्स कैसे होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है और बाकी उनके डिफाइनिंग फीचर्स तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही